बिहार के नालंदा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। प्रेमिका शादीशुदा है और दो बच्चों की माँ भी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये महिला वही है। उनका नाम है ऋषि कुमारी। ऋषि पिछले 8 सालों से अपने पति से अलग अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। ऋषि गुरुवार यानी कि 28 अप्रैल को अपने बच्चों को मीटिंग में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। बाद में उनकी लाश झाड़ियों से बरामद की गई। दिल दहला देने वाली इस वारदात को लेकर महिला के पति संतोष कुमार ने बताया कि उसकी बीवी को मनोज मिस्त्री नाम के युवक ने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। किसी बात को लेकर बीती शाम वो उसे अपने घर लेकर गया। वहां पर मनोज और उसके पूरे परिवार ने मिलकर ईंट और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर ऋषि को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मनोज परिवार सहित वहां से फरार हो गया। तो वहीं इस मामले को लेकर महिला की बेटी ने बताया कि गुरुवार शाम 4 बजे मीटिंग में जाने की बात कहकर माँ मनोज के साथ घर से निकली थी और वो इसके बाद वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस ने महिला की पति की शिकायत पर मनोज पर FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। महिला अपने पति से अलग क्यों रह रही थी, हत्या किन कारणों से हुआ है, इसकी वजह तलाश की जा रही है। मनोज और उसके परिवार की तलाश में पुलिस दिन रात छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।